नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे PG रोहतक की जो मॉपअप राउंड काउंसलिंग हो रही है उसमें एक नया नोटिस जारी हुआ है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें 5% की रिलैक्सेशन, 25% मार्क्स कम कर दिए गए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में SC डिप्राइवड SC BCA BCB बी कैटेगरी और PWBD कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका था कि मिनिमम आपको 50% स्कोर करना और जो अदर रिजर्व कैटेगरी जो आपके दे रखी है इनमें 45% मार्क्स आपके उसमें एंट्रेंस एग्जाम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जरूरी थे, अब उसे कटा दिया गया है। 25% मार्क्स और कम कर दिए हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो इसमें जो जिनके स्टूडेंट्स के कम मार्क्स है CET में वो SC से बिलोंग करते हैं, SC डिप्राइव्ड से BCA BCB PWBD कैटेगरी के, तो उनको भी मौका है अप्लाई करने के लिए। तो आज रजिस्ट्रेशन करने की, चॉइस फिलिंग करने की लास्ट डेट है आपके मॉपअप राउंड काउंसलिंग में। सीट मैट्रिक्स जारी हो चुका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो वैकेंट सीट्स की डिटेल्स का जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए अब चॉइस फिलिंग करना और चॉइस लुकिंग करने का लास्ट दिन है, आखिरी दिन है, तो आप जल्द से जल्द कर सकते हैं। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सभी कैंडिडेट के लिए जिन्होंने सीट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो PGMS रोहतक के द्वारा करवाया गया था वो नहीं दिया है, तो उनको भी मौका होगा। अगर इस राउंड काउंसलिंग के बाद अगर सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो नए स्टूडेंट्स को नया जो फॉर्म फिल करने का रजिस्ट्रेशन का मौका आपका स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग में आपको मिलेगा। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि उन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया लेकिन फिर भी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिजियोथेरेपी कोर्सेज में किसी भी अगर गवर्नमेंट सीट्स की वैकेंट है या प्राइवेट सीट प्राइवेट कॉलेज में किसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो ले पाएंगे, आगे स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग में उनको मौका मिलेगा। इस बार भी मॉपअप राउंड में भी फर्स्ट डे आपका जो था उसमें अप्लीकेंट लॉग इन और न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक एक बार ओपन हुआ था 2-3 घंटे के लिए, लेकिन फिर वो हटा दिया गया और फिर उसके बाद ये नोटिस आपका जारी हुआ था। जिन स्टूडेंट्स ने, जिनके कम मार्क्स हैं, जिन स्टूडेंट्स ने CET नहीं दिया है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आपका नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए होता है उनके लिए भी मौका होगा अगली जो स्टे राउंड काउंसलिंग होगी उसमें एडमिशन लेने का आपके डिफरेंट डिफरेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी कोर्सेज में। तो ये सब जानकारी थी आपके लिए इस वीडियो में। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी डाउट हो, आपके कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी किसी एंट्रेंस एग्जाम, किसी जॉब नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग अगर आपके क्वेश्चन तो भी आप हमें पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाके। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय।